आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के तत्वावधान में राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में विश्व के महानाट्य जनता राजा का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, पहली बार ऐसा नाटक लखनऊ वालों को देखने को मिला है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से सजीव है। हाथी घोड़े जब सामने से आते हैं, लड़ाइयां होती हैं और ये चार मंजिला ऊंचा रिवॉल्विंग मंच जिस समय घूमने लगता है, लाइट का साउंड का जो इफेक्ट यहां देखने को मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। कुछ चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये रविवार के चित्र हैं जब इसका मंचन हो रहा था। 1290 के से ज्यादा बार इसको मंचित किया जा चुका है और इसकी सजीवता जो छत्रपति शिवाजी का जीवन दिखाती है, लोगों के दिलों में जैसे शिवाजी उतरते चले जाते हैं। ये कहानी उस समय शुरू होती है जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है महाराष्ट्र में, पुणे को तहस नहस कर देता है। उसके बाद 250 साल बीत जाते हैं और जो पुणे के हिंदू हैं, आसपास महाराष्ट्र के हिंदू हैं, वो मुगल शासकों की नौकरी करने लगती हैं। ऐसे में जीजाबाई जिस समय शिवाजी को जन्म देती हैं तो उनसे कहती हैं कि जाओ तलवार उठाओ। और तुलजा भवानी जो सामने बड़ा गेट आप देख रहे हैं, जब ये खुलता है माँ तुलजा भवानी के दर्शन होते हैं, बहुत ही विहंगम दृश्य है, रोंगटे आपके खड़े कर देगा। दोस्तों, अभी भी आज का दिन यानी 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर दो दिन आपके पास हैं, आप लखनऊ में हैं तो एक बार जा करके अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि अब हमारे समृद्धशाली इतिहास का एक ऐसा मंचन है जो कि आपको गौरवान्वित कर देगा, रोमांचित कर देगा। साथ में जो हाथी घोड़े और लड़ाइयों का जो सजीव चित्रण आता है, दर्शक बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जड़ हो जाएंगे, बिल्कुल देखते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ। और बीच बीच में जय भवानी जय शिवाजी के जिस समय नारे लगने लगते हैं, माहौल एकदम से आपको उसी सदी में ले जाता है जैसे हम शिवाजी के समय में रह रहे हों। तो इतना सजीव नाट्य है, शायद इसीलिए इसको महानाट्य कहा जाता है। तो कहानी जब वहां से शुरू होती है, जीजाबाई छोटे से शिवाजी को शिक्षा देती हैं और किस प्रकार से एक राजतंत्र चलाना चाहिए, राजनीति, राजव्यवस्था, युद्ध नीति, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और खास तौर से जो साउंड है, जो लाइट का जो अफेक्शन है, वो बहुत ज्यादा इस नाटक को सजीव कर देता है। तो दोस्तों, जनेश्वर मिश्र पार्क में गेट नंबर 5 से जब आप जाएंगे तो जाते ही आपको मेले सरी का दर्शन होगा। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और जैसे ही शाम हो शुरू होती है, लगभग 6 बजे के आसपास ये मंचन शुरू हो जाता है और फिर ये 9 बजे के आसपास तक चलता है। लेकिन आप हिल नहीं पाएंगे, ना आपको पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं जाने का आपका मन करेगा। तो आइए कुछ लोगों से बात करके उनका रिएक्शन लेते हैं। मिशन की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें ये दिखाया गया है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो हमारी बुक्स में कितना मिसिंग है। ये बच्चों को जरूर दिखाने वाला है क्योंकि बच्चे इस नाटक के माध्यम से बहुत अच्छा जान सकते हैं हमारे शिवाजी के बारे में। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक एक कलाकार की इतनी अच्छी प्रस्तुति है और मैं पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करता हूं, जितना अच्छा इन्होंने इसका प्रेजेंटेशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा कार्यक्रम के लिए हम प्रयागराज से आए हैं, हमारे माँ और पिताजी भी साथ में हैं, बहन भी है और हमारे भाई भी हैं। इस कार्यक्रम ने हमें भारत की मूलभूत संस्कृति से हमें जोड़ते हुए जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें शिवाजी का क्या योगदान है और उन्होंने किस तरह हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की और जाड़ता राजा जो कि एक मराठी शब्द है, इसका जो हिंदी भावार्थ है जानने वाला राजा। तो इस कार्यक्रम से ये प्रतीत होता है कि शिवाजी महाराज ना उस परिप्रेक्ष्य के राजा थे बल्कि भविष्य के राजा थे जिन्होंने आज के समाज की स्थापना की।